देहरादून के पुलिस लाइन में स्मृति दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह ने शिरकत की और शहीद पुलिस के जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही शहीद के परिजनों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर सीएम ने पुलिस कर्मियों के लिए दो घोषणाएं की। सीएम ने सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों की वर्दी भर्ती में 1000 की वृद्धि की घोषणा की। इसके साथ ही शहीद कोष कल्याण के लिए 75 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। देखिए, हमारे तमाम जो जवान शहीद होते हैं, एक तो मैं पहले भारत सरकार को और केंद्रीय गृह मंत्री जी को बहुत बधाई दूंगा, धन्यवाद भी दूंगा कि उन्होंने पुलिस फ्लैग डे ये भी उन्होंने एक शुरुआत की है, और उसमें जो भी कोष होगा वो हमारे तमाम जो शहीद परिवार हैं, चाहे अर्धसैन्य बलों के होंगे या फिर पुलिस के होंगे, उनके परिवारों के काम आएगा। दूसरा, हमने राज्य में 75 लाख रुपए की एक राशि उनके कोष के लिए आज मैंने घोषणा की है, और जो पुलिस के हमारे सब इंस्पेक्टर रैंक और ऊपर के अधिक लोग हैं, जिनको कि अभी तक 3000 रुपया वर्दी भत्ता मिलता था, उसको बढ़ा करके 4000 रुपए की। इसके अलावा सीएम रावत ने कहा कि पुलिस कर्मियों ने हर मौके पर जनता की सेवा की है, चाहे फिर कोविड महामारी का समय हो या फिर राज्य में आपदा की स्थिति आई हो, पुलिस ने हमेशा तत्परता से ड्यूटी की है। प्रत्येक राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना यह पुलिस का काम होता है, और पुलिस इस काम को बेहतरीन ढंग से करती है। साथियों, आप लोग जानते हैं 21 अक्टूबर सन 1959 से प्रतिवर्ष पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इस अवसर पर जो कर्तव्य पालन में हमारे सहयोगी वर्दीधारी देश में, चाहे वो पुलिस राज्य की हो या केंद्रीय पुलिस बलों के सदस्य हों, जो कर्तव्य पालन में अपनी जान की आहुति देते हैं, उनको हम लोग नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। गौरतलब है कि हर साल पूरे देश में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है, और अब तक पूरे देश में कुल 265 पुलिस के जवान शहीद हुए हैं, जिनकी शहादत को याद करते हुए आज के दिन श्रद्धांजलि दी गई। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।